हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, क्लास 7, एनसीईआरटी। तो बच्चों लौटे हम एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तो जल्दी से करते हैं पहला क्वेश्चन। आपको पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो बच्चों 1 मान लेंगे। देखो ध्यान से, 12/1 और 3/4, इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी फ्रैक्शन है, और दोनों आपस में हो रहा है डिवाइड। बेटा जब भी दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होती है तो एक रूल होता है, ध्यान से सुनना। एक तरफ ये रही फ्रैक्शन और एक तरफ ये रही, और दोनों फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है बच्चों, डिवाइड। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेफ्ट वाली फ्रैक्शन को तो एज इट इज लिख देंगे, लिख दिया। इस डिवाइड की जगह पर बनाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये जो 3/4 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 4/3। ध्यान से सुनना क्या करा मैंने, जब भी दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होती है, लेफ्ट वाली फ्रैक्शन को एज इट इज उतार देंगे, डिवाइड की जगह बना देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रही है ना 3/4, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/3 हो गया। अब बच्चों आपको पता ही, अब तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई में अगर क्रॉस कट रहा है तो काट लो, 3 1 और 3 4, ये दोनों 3 के टेबल से कट गए। और अब आपको सिंपल पता है करना क्या है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 16, नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे 1 आएगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं सेकंड पार्ट को, देखते हैं यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर भी लेफ्ट पे भी फ्रैक्शन है और इधर भी फ्रैक्शन है, आपस में हो रहे हैं डिवाइड। तो ये जो उल्टे हाथ वाली फ्रैक्शन है इसे लिखते हैं एज इट इज, दिख गया होगा आपको, डिवाइड की जगह पर बनाते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो राइट में आपको फ्रैक्शन दिख रही है ना 5/6, इसको उल्टा कर देंगे 6/5। अब आपको पता है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, देख लो अगर कोई कट रहा है तो ऊपर नीचे, बेटा ना तो फ्रैक्शन ऐसे कट रही है, ना तो फ्रैक्शन ऐसे कट रही है, ना तो क्रॉस में कट रही है, ठीक है। तो सिंपल है फिर, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे 84, नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे 5 हो, ठीक है, सिंपल आंसर है। चलिए अब इसे करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रही है, तो लेफ्ट वाली फ्रैक्शन को तो सेम एज इट इज उतारेंगे, डिवाइड की जगह पे बनाएंगे मल्टीप्लाई, और ये जो राइट वाली फ्रैक्शन है ना इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/5। फ्रैक्शन अगर कोई कट रही है ऐसे ऊपर नीचे या फिर ऐसे क्रॉस में कट रही है तो देखें नहीं कट रही, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया सिंपल आंसर। चलिए इसे करते हैं एक बार जल्दी से, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। लेफ्ट वाली फ्रैक्शन को एज इट इज, डिवाइड की जगह पर बनाया मल्टीप्लाई, 8/3 है, तो इसका ये राइट वाली जो फ्रैक्शन होगी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब अगर आप लोग भी ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा फ्रैक्शन ऐसे कट रही, जब बीच में मल्टीप्लाई होता था ऐसे क्रॉस कट जाती है, 4 के टेबल से 1 बारी पे या 2 बारी पे, कोई नहीं कट रहा। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं इसके दो पार्ट और रह गए, जल्दी से इसे भी करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है। पहले ना एक काम करते हैं बच्चों, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7, तो ऊपर तो आ गया 7 और नीचे वही रहेगा dr, ठीक है, जैसे 3 था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 25, और dr वही रहेगा 7, ठीक है। चलिए अब करते हैं बच्चों, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, दोनों फ्रैक्शन आपस में हो रहा है डिवाइड, तो बड़ा सिंपल है बच्चों, इस वाली फ्रैक्शन को रखेंगे एज इट इज, डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, और इस वाली फ्रैक्शन को कर देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है, 7/3 को 3/7, फ्रैक्शन कोई भी नहीं कट रही, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया आंसर। चलिए इसे करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, लेफ्ट वाली फ्रैक्शन को एज इट इज, डिवाइड की जगह पे बनाया मल्टीप्लाई, ये जो आपको राइट में फ्रैक्शन दिख रही है, जब भी दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होंगी, ध्यान से सुनना, दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रही है ना, लेफ्ट वाले को एज इट इज, डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, और राइट वाली फ्रैक्शन को कर देते हैं रेसिप्रोकल, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं कोई कट रहा है, देखो ध्यान से देखोगे तो ये कट रहा है ऐसे, ये 5 के टेबल से 1 बारी पे, ये 5 के टेबल से 5 बारी पे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कट रहा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जल्दी से कर लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए उतार दिया है, जल्दी से पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें जितनी भी फ्रैक्शन दे रखी है ना बच्चों, हमें उन सबका रेसिप्रोकल निकालना है। तो बड़ा आसान है, उसके बाद कुछ और भी बोला हुआ है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। तो बच्चे इस पूरे क्वेश्चन में दो चीजें बोली, पहले तो हमें अपनी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखना है, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना है, या वो तो या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, या तो इम्प्रॉपर में आएगा, या तो होल नंबर में आएगा। मैं आपको ना सबसे पहले होल नंबर समझाता हूं, आसान है वो। होल नंबर जिस फ्रैक्शन के नीचे वन आए डीआर पे, देखो ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो अगर नीचे वन है तो उसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में ऊपर कुछ भी हो, एनआर पे कुछ भी हो, अगर डीआर पे वन है तो उसे होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको यहीं से करते करते समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे से रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 7/3, ठीक है। चलो ये हमारा रेसिप्रोकल है ना, ये हमारी फ्रैक्शन और ये हमारा रेसिप्रोकल। अब पता करेंगे ये रेसिप्रोकल प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, होल नंबर, होल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके नीचे वन नहीं है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर कैसे पता करते हैं, सुनो देखो, तीन नंबर का पेपर हुआ ऐसे ही करते हैं ना, मार्क्स तो ऐसे ही पता करते, देखो है ना, देखो ऐसे ही करते मार्क्स पता। तीन नंबर का पेपर हुआ सात नंबर आ गए, ऐसा कभी हो सकता है? ये इम्प्रॉपर है, क्या है? इम्प्रॉपर। देखो दो मिनट में बताना, ठीक है। चलो इसका हम करते हैं रेसिप्रोकल। 5/8 हमारी फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/5, ठीक है। साफ पता चल रहा है कि ये होल नंबर तो है ही नहीं क्योंकि होल नंबर वाले केस में नीचे वन आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, होल नंबर नहीं है तो या तो प्रॉपर होगा तो इम्प्रॉपर। चलो चेक करते हैं यार, पांच नंबर के पेपर में किसी का पांच नंबर का पेपर है और आठ नंबर आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, तो ये इम्प्रॉपर है। चलिए इसे करते हैं जल्दी से। सबसे पहले इस फ्रैक्शन का करेंगे रेसिप्रोकल, 7/9 आ गया, ठीक है। 7/9 साफ देख के पता चल रहा है इस रेसिप्रोकल को कि होल नंबर तो ये है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, देखते हैं क्या है। 9 नंबर का पेपर हुआ हमारा और हमारे 7 नंबर आ जाए, ये संभव है, हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर है। भाई 9 नंबर का पेपर हुआ 7 आ गया, बिल्कुल हो सकता है, तो ये प्रॉपर। इसे करेंगे बच्चों जल्दी से, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 5/6। होल नंबर तो ये है नहीं, चेक करते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर। 6 नंबर के पेपर हुआ था और 5 नंबर आ गए, हाँ भाई सिंपल है, हो सकता है ऐसा, तो ये प्रॉपर है। इसका रेसिप्रोकल 7/12, इसका रेसिप्रोकल 8/1 और इसका रेसिप्रोकल 11/1। देखो इसके नीचे भी बने और उसके नीचे भी बने, तो ये तो होल नंबर है। ये जो रेसिप्रोकल है बच्चों ये क्या है, होल नंबर। जिनके नीचे बन होता है वो होल नंबर होता है, ये भी आपका क्या है, होल नंबर है, सिंपल, ठीक है। अब इस वाले रेसिप्रोकल को चेक करते हैं, होल नंबर तो नहीं है क्योंकि इसके नीचे बन नहीं है, 12 है। 12 नंबर का पेपर हुआ और 7 नंबर आए, हाँ हो सकता है ऐसा, तो ये प्रॉपर है, सिंपल है बच्चों, तो जल्दी इसे कर लीजिए।